नमस्ते है जी धैर्यवान हिलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान आपका अपना हीलिंग मास्टर दोस्तों बसंत पंचमी आने को है और आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं बसंत पंचमी में रिश्ते हील होते हैं बहुत अच्छे तरीके हो सकते हैं हील करने के क्योंकि ज़्यादातर रिश्तों में सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक अजीब सी प्रॉब्लम होती है साथ होते हुए भी एक टकराव होता है या कुछ लोग टकराव के जैसे दूर रहने शुरू हो गए कुछ लोगों का अलगाव ही हो चुका है तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए आपको इस बसंत पंचमी अभी से ही शुरू कर लो ये तो बसंत पंचमी के दिन भी कर सकते हैं लेकिन जितना लंबा समय इस चीज़ को दोगे इस रिचुल को दोगे आपका उतना जल्दी रिलेशन अच्छा हो जाएगा तब सुधरना शुरू हो जाएगा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा क्लीन ये एक बीज मंत्र है वैसे स्विचबर्ड की तरह आप इन चैट कीजिए अपने रिश्तों की खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए कि कैसे आपके रिश्ते खूबसूरत हो रहे हैं कैसे आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं कैसे आप इस रिश्ते में बहुत अच्छे से हैं रिश्ते में हमेशा एक बात याद रखना जी कि रिश्ते में मैं अच्छे से होता हूँ मैं अच्छे से रहता हूँ मैं खुश रहता हूँ मैं इस रिश्ते को पोषण पोषण देता हूँ मैं इस रिश्ते को फीड कराता हूँ मैं इस रिश्ते के लिए सब कुछ अच्छा करता हूँ मैं इस रिश्ते में सब कुछ जब आप मैं ही देने वाला बना देते हो अपने मैं को अपनी आइडेंटिटी को एज अ प्रोवाइडर फिक्स कर लेते हो आप अपनी पहचान को एज अ प्रोवाइडर बना लेते हो तो ऑटोमेटिकली तो वो भी प्रोवाइडर बन जाते हैं क्योंकि रिश्ते में दो लोग एक ही होते हैं आप जो अपने अंदर परिवर्तन करेंगे धीरे से वही परिवर्तन उनके में आ जाएगा जो चीज़ आप अपने लिए मांगेंगे जो चीज़ अपने आप को बनाना चाहेंगे वही चीज़ वो भी बन जाएंगे तो कि बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है क्लीम इसे आप रोज क्वार्ट्स के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं जैसे रोज क्वार्ट्स की ये माला है तो इसे आप क्लीम मंत्र आप अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए इस के साथ अगर आप इस तरह से माला जमते हैं क्लीम 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 ये करते हैं या फिर रोज क्वार्ट्स की ही को आप ऐसे हाथ में पहन लेते हैं और हाथ में रख करके हाथे पहन करके आप क्लीम क्लीम इस तरह से इंचेंट करते हैं तो आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और खूबसूरत हो जाते हैं हर चीज़ एक रिश्ते में जो जो चीज़ें हो सकती है वो सारी चीज़ें बेहतर हो जाती है हर चीज़ आप समझ सकते हैं कि रिश्ते में क्या होता है एक एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो जो संबंध हो सकते हैं जो चीज़ें दिल लेन की हो सकती है वो बेहतर से बेहतर से बेहतरीन हो जाती है साथ ही साथ बसंत पंचमी में आप अपने बाकी चीज़ों को भी अच्छा कर सकते हैं धन संपत्ति को भी अच्छा कर सकते हैं धन संपत्ति के लिए भी रिचुअल्स कर सकते हैं धन संपत्ति से रिलेटेड जो क्रिस्टल्स होते हैं ब्रेसलेट्स होते हैं पायराइट हो गया ग्रीन एवेंचरियन हो गया सिट्रीन हो गया ऐसे पत्थरों को भी धारण कर सकते हैं लक्ष्मी पोटली धारण कर सकते हैं लक्ष्मी पोटली को अपने जीवन में ला सकते हैं लक्ष्मी पोटली पर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था मैंने कुबेर पोटली धारण कर सकते हैं इस तरह की नई चीज़ों की शुरुआत अब बसंत पंचमी से कर सकते हैं बसंत पंचमी बहुत शुभ दिन होता है इसलिए उसे त्यौहार की तरह ही मनाया जाता है तो अपने आप में सिर्फ रिश्ते कोई नहीं अपने सारे रिश्तों को इवन अपने फाइनेंशियल मतलब अपने धन संपत्ति से अपने पैसों से भी अपने रिश्ते को आप अच्छा कर सकते हैं सती सिंबल का प्रयोग करने का सबसे उत्तम समय है बसंत पंचमी है ना और साथ में अगर आप बेबी प्लानिंग करने वाले हो जो कपल्स हैं जो लोग शादी हो चुका है और आप अभी संतान की इच्छा रखते हैं तो दिस तो इज़ वेरी गुड टाइम कि आप अभी से रोज क्वार्ट्स में क्लीन जी हाँ बच्चे को ध्यान में रखते हुए एक हेल्दी बेबी को ध्यान में रखते हुए क्लीम मंत्र का जाप करें और देखें बसंत पंचमी कितना शुभ होगा आपके लिए आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं आने वाले अध्यायों में तब तक के लिए नमस्ते अचय